हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सब सेहत से होंगे। आज हमारी एनिवर्सरी का व्लॉग था। ये तो हमारी एनिवर्सरी तो हो गई थी वैकेशन से पहले ही, बट मुझे अपलोड करने का वक्त ही नहीं मिल रहा था। आई वॉज सो बिज़ी घर के काम और बच्चों के स्कूल वगैरह में, तो सोचा क्यों ना आज अपलोड कर लिया जाए। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी 15th है। पूरे अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पीली कंप्लीटेड 15 इयर्स ऑफ आवर मैरिज लाइफ। आज स्कूल की छुट्टी नहीं थी और ऑफिस डे भी था, तो बच्चे स्कूल को चले गए, हस्बैंड भी ऑफिस गए, मैं कुछ साफ सफाई कर रही थी। कुछ भी पकाने का आज नहीं था क्योंकि हस्बैंड ने कहा था कि कहीं बाहर चलते हैं। फिर भी आज दिल तो कर रहा था कि कुछ तो पका लिया जाए घर में, तो मेरे पास मलाई बहुत सारी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज फिरनी बना लिया जाए। तो फिरनी बनाने के लिए मैंने एक बर्तन के अंदर 2 टेबल स्पून जितना घी ऐड किया है, 2 से 3 इलायची, एक सिनेमन स्टिक और कुछ कैश्यूज़, हाफ कप जितने कैश्यूज़ डाल के अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसमें 1 लीटर जितना मिल्क ऐड कर दूँगी और ये रहा करीब 1/2 किलो से भी ऊपर था ये मलाई, इसको भी मैंने ऐड कर दिया है। और यही है स्पेशल इंग्रेडिएंट आज का इस फिरनी का, क्योंकि ये तो मिल्क मेड घी और खोवे मिल्क पाउडर सबका काम कर लेता है एलोन, क्योंकि सारी चीज़ें दूध से ही तो बनती हैं और मलाई तो सबसे उसका कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होता है। तो ये देखिए सारी मलाई, इसके अंदर मैंने चीनी भी ऐड कर दी थी करीब 1 कप जितनी, और अभी ये पानी का, ये दूध का उबाल आ गया था तो मैंने इसमें ये सूजी को भी ऐड करके पका लिया। बस एक बॉयल आने के बाद ये फिरनी डन है। तो इसके बाद हमें इसकी थोड़ी देर बाहर रख के ठंडा करना है, इसके बाद फ्रिज में रख के ठंडा करके सर्व करना है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से इसके ऊपर घी जमा हो गया है, बस मैंने 2 ही टीस्पून डाला था और ये देखिए कितना अच्छा ऊपर आ गया है। ये सारा कुछ मलाई का कमाल है। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था, अभी मैं इसमें थोड़ा गुलाबरी का वाटर ऐड करूँगी और थोड़ा टेस्ट एनहेंसर है ये, तो इसको ऐड करके और थोड़ी देर मिक्स करना है अच्छी तरह से। अभी मैं इसमें थोड़े बादाम जो चॉप करके मैंने रखे हुए थे इसको भिगो के काटा था मैंने, इसको थोड़े कुछ डाल के मैंने इसमें अंदर मिक्स कर दिया और कुछ को मैंने रख दिया है गार्निशिंग के लिए। तो अभी मैं डिश आउट कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने सारे गार्निशिंग के लिए ऊपर डाल दिए। तो ये हो गई थी हमारी झटपट सी फिरनी, जबरदस्त सी तैयार। तो इसको मैंने बच्चों के स्कूल से आने तक फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छी तरह से ये कूल हो जाए। फिरनी कम मुझे तो ये कुल्फी आइसक्रीम जिसे लग रही थी, उतना मज़ा आ रहा था इसे खा के। आप भी अगर आप मलाई जमाते हैं तो इस तरह से आप ज़रूर बना के खाइएगा। तो मैंने भी खाया, मुझे बहुत पसंद आई और बच्चों ने भी खाया, हस्बैंड भी खाए, और बची हुई फिरनी को मैंने इस तरह से एक कंटेनर में डाल के फ्रिज के अंदर स्टोर कर दिया। Thank you.
फिरनी खा लेने के बाद हम सब तैयार हो के बाहर निकले। बाहर निकले तो अभी वक्त था डिनर का, तो पास में ही एक पार्क था, बहुत बड़ा पार्क था ये, सैंकी टैंक इसका नाम है। और हम लोग, ये जब से नया बना हुआ है तो हम लोग देखा भी नहीं था हम लोगों ने। बस ये लेक पुराना ही है, बहुत पुराना है, इतना पुराना है कि मेरे नानी वगैरह यहाँ पे आके कपड़े धोते थे, तो उतना पुराना है। मेरी अम्मी बहुत छोटी बच्ची थी तब वो भी आती थी यहाँ पे, तो इसका बाउंड्रीज वगैरह कुछ नहीं थे, बस ऐसे ही आके कपड़े धो के जाते थे वो लोग। अभी ये नया नया बना है, इस तरह से वॉकिंग रैंप सब बना है और बाउंड्रीज भी बहुत अच्छा बना दिया है और बहुत ही वेल मेंटेन्ड है ये पार्क। ये देखिए कितना बड़ा लेक भी है, सिटी के बीचों बीच इस तरह से नेचुरल चीज़ों को रिस्टोर करना बहुत बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए कितना क्लीन भी है ना वाटर सारे। बस यहाँ इसके फोर साइड्स वॉकिंग का एरिया है, वहाँ पे लोग वॉकिंग करने आते हैं, तो हम भी यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही टहल रहे थे। और ये देखिए एक है इस लेक के सेंटर में आइलैंड के जैसा कुछ एरिया, और वहाँ पे ये पेड़, सूखे पेड़ों पे ये कुछ ईगल्स या वल्चर्स कुछ बैठे थे, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये जैसा बिग आइलैंड्स होते हैं उस तरह से ये बहुत ही छोटा सा एक आइलैंड था। ये देखिए शाम हो रही थी तो सूरज ढलने का वक्त था, तो सही टाइम है, धूप में भी आ जाए तो बहुत जलाती है धूप यहाँ पे, तो ये वक्त सही है शाम का वक्त घूमने फिरने के लिए। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा और सामने गए तो वहाँ पे हमें एक जामुन का पेड़ मिल गया। जामुन जानते हैं ना आप, पर्पल कलर के होते हैं वो खाने में और बहुत मीठे भी होते हैं, तो वहाँ वो मिल गया। तो वहाँ पे चढ़ के मैं तोड़ने लगी और तो मुझे कुछ तो हाथ नहीं लगा, बट अबीरा भी चढ़ के कोशिश करने लग गई और नीचे कीचड़ था, वो कीचड़ में गिर गई। बाद में फिर उसको जाके मैंने वॉशरूम में सारा पाँव वगैरह उसके हाथ सब क्लीन किए और वहाँ से और थोड़ा आगे गए तो ये देखिए बहुत सारे डक्स गूज, और अच्छा लग रहा था। इनका भी लेक के बीचों बीच एक हाउस की तरह बनाया गया था, वो भी देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। इतनी देर में बारिश भी शुरू होने लग गई थी। वहाँ से शाम होने से पहले हम लोग निकल गए और रास्ते में ही ये देखिए पूरी रात हो गई। और लंच में मैंने कुछ नहीं खाया था तो मैंने हस्बैंड से कहा कि कुछ ला दें, तो उन्होंने जाके कुछ बेकरी से ये बिस्किट वगैरह लेके आ गए। खैर इसी को मैंने कुछ खा लिया और ये देखिए क्या बहुत अच्छे बिस्किट मिले थे हमें। यहाँ पे कुछ बेकरीज हैं आयंगार बेकरीज के नाम से, वो बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी उनका आइटम होता है। तो ये देखिए सारे मिक्स्ड बिस्किट्स थे और उनको खाया। और ये था बन, मसाला बन, ये देखिए कितना फ्लफी था। ये खा लिया तो एक सारी भूख मिट जाती है, उतना मजे का लगता है ये मसालेदार।
हमें इस बार कोई रेस्टोरेंट में जाके खाने का मन नहीं कर रहा था, तो सोचा क्यों ना आज स्ट्रीट फूड को ही ट्राई कर लिया जाए। तो जाने के लिए हमें इस मार्केट के अंदर से घुसना था, तो सोचा आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं। सारी लाइटनिंग की चीज़ें और सारे जो हिंदू लोग पूजा करते हैं, पूजे के आइटम्स, लाइक ये मुझे उतना आइडिया नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। और कपड़े तो इतने प्यारे प्यारे कपड़े मिलते हैं यहाँ पे, सारे बच्चों के और मेरे कपड़े मैं इसी मार्केट से खरीदती हूँ, और बहुत ही रीजनेबल और बहुत बहुत सारे वैरायटीज भी मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। इस एरिया में हर एक चीज़ का सेक्शन अलग अलग होता है, लाइक ये सारा एरिया मेटल का है या किचन के बर्तनों का है, कपड़ों का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है और टॉयज का है, प्लास्टिक का है, तो ढेर सारा है इस एरिया में। उसके बाद हमें एक मिल गया था बेहतरीन सा शॉप, हमें खानी थी आज शीख और फाल गरम गरम से। ये देखिए क्या बेहतरीन सा धुआं निकल रहा है और इतनी खुशबू आ रही थी ना पकते हुए, और ये देखिए। तो सेवियों के साथ ये शीख और फल खा के बहुत ही मज़ा आ गया। कुछ इस तरह की चीज़ें खाने के बाद चाय का दिल करता है, तो ये देखिए क्या गाड़ी और बेहतरीन सी चाय मिल गई हमें, तो हमने चाय पिया। चाय पी लेने के बाद हस्बैंड ने ये देखिए पान लाके दे दिया मुझे, तो मैंने पान भी खाया और फिर यही तक आज हमारा व्लॉग है। अब फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।